हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो न्यू बायर के दिमाग में हमेशा रहता है। जो लोग फर्स्ट टाइम अपनी कार परचेस करना चाहते हैं वो हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं यार, कि एक हैचबैक सेगमेंट की तरफ जाएं या फिर आजकल जो मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट चल रहा है एसयूवी सेगमेंट या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, उसकी तरफ जाएं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि किस कस्टमर को किस सेगमेंट की कार देखनी चाहिए या किस सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर आप भी कंफ्यूज हो और आप अपनी कार प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि दोनों में से किस सेगमेंट की तरफ जाएं, तो आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि किन लोगों के लिए कौन सा सेगमेंट परफेक्ट सेगमेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हर चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसी हिसाब से आपको सेगमेंट चूज़ करना है, या हैचबैक में जाना चाहते हो या एसयूवी में जाना चाहते हो, टोटली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो गाइज़, अगर आप की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप एक ऐसी जगह में, आप रूरल एरियाज़ में रहते हो जहाँ पे रोड कंडीशन ज़्यादा सही नहीं है, आपको ऐसी जगह पे चलना है जहाँ पे अच्छी रोड्स नहीं है अवेलेबल, उस केस में आपको एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको एसयूवी सेगमेंट्स या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट्स की कार्स देती है। तो उस केस में अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आपको उस केस में एक एसयूवी सेगमेंट की कार या एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार की तरफ जाना चाहिए। हैचबैक में आपको वो प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलती। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि यार रोड कंडीशंस ऐसी है कि इसी रोड कंडीशंस में चलना है, तो उस केस में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार की तरफ जाना चाहिए। बात करें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके घर में 5 लोग या 4 लोग हैं एंड आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहते हो जो थोड़ा कंजेस्टेड है, जहाँ पे आपको जो मोस्टली ड्राइव हो रहा है वो गलियों में या कंजेस्टेड एरियाज़ में हो रहा है, उस केस में आप हैचबैक की तरफ जा सकते हो। बिकॉज हैचबैक डायमेंशन वाइज एक एसयूवी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार से थोड़ी छोटी होती है, तो डायमेंशन छोटा होता है, तो उस वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है किसी भी ऐसी भी कंजेस्टेड जगह से अपनी कार ड्राइव करने में। तो अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है एरिया, ज़्यादा एरिया आपके पास नहीं है, उस केस में आप हैचबैक कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज हैचबैक में आपको कम स्पेस में ये कार आप इजीली मूव कर सकते हो अपने एरियाज़ में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक ऐसे लोग हो जो आप हाई स्पीड चलाते हो कार, आप स्पीड ज़्यादा में ड्राइव करते हो, उस केस में भी आपको हैचबैक कार आप कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज हैचबैक जो कार रहती है ना, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होती, कार रोड से काफ़ी नीचे रहती है, तो उस वजह से स्टेबिलिटी आपको एक हैचबैक कार्स में ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू एसयूवी। एसयूवीज़ या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से थोड़ा बहुत बॉडी रोल देखने को मिलता है, कि जो कि आपको एक हैचबैक कार में देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप इस तरह के ड्राइवर हो, आप ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करते हो, तो उस केस में आपको एक हैचबैक कार की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज उसमें आपको स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू एसयूवी कार। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक नए ड्राइवर हो और आपको चाहिए कि एक प्रॉपर विजिबिलिटी चाहिए अपनी कार से, तो उस केस में आपको एसयूवी सेगमेंट की कार की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज एसयूवी सेगमेंट की कार्स आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देती है, आपको बोनट बहुत क्लियरली दिखता है, कमांडिंग पोजीशन में आप बैठते हो, तो उस केस में आपको एसयूवी सेगमेंट कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज हैचबैक सेगमेंट में कहीं ना कहीं आपको वो विजिबिलिटी उतनी नहीं मिल पाती, आपको थोड़ा बहुत अपने जजमेंट से आइडिया करके कार चलानी होती है। तो न्यू बायर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छी विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है जब आप नई गाड़ी चलाना सीखते हो। तो अच्छा है, बेस्ट रहता है कि आपके पास एक अच्छी विजिबिलिटी हो, जिस वजह से आपको हेल्प मिलती है एक नए यूज़र को कार चलाने में। तो अगर आप एक नए ड्राइवर हो और आपको चाहिए एक अच्छी विजिबिलिटी अपनी कार से, तो उस केस में भी आपको एसयूवी सेगमेंट या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते हो एक कंफर्टेबल राइड, एक कंफर्ट आपको चाहिए अपनी कार से, तो उस केस में आपको हैचबैक कार्स में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको एसयूवी कार्स में कंफर्ट नहीं मिलता, आपको एसयूवी कार्स में भी कंफर्ट मिलता है, बट कंपेयर करें अगर हैचबैक या सेडान से एसयूवी कार्स को, तो हैचबैक और सेडान्स में आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट मिलता है कंपेयर टू एसयूवी कार्स। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए अपनी कार से, तो उस केस में भी आप एक हैचबैक कार को कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली देखो यार, हैचबैक जो कार्स होती है ना, वो साइज़ के हिसाब से थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू एक एसयूवी या एक फुल साइज एसयूवी या फिर एक कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी से।
तो स्पेस हमेशा मैटर करता है, बिकॉज हैचबैक कार्स में आपको थोड़ा कम स्पेस मिलता है, तो इजी रहता है स्पेस वाइज. मैं बात करूं तो स्पेस ओवरऑल कार के स्पेस की वजह से बात करूं, डायमेंशन वाइज भी कार छोटी रहती है तो बहुत इजी रहता है आपको नैरो गली से निकालने में, कंजेस्टेड एरिया से कार को निकालने में. तो अगर आप सिटी में चल रहे हो और आप एक छोटी कार की रिक्वायरमेंट, आपका पार्किंग स्पेस नहीं है, आपके पास पार्किंग बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में मेट्रो सिटीज में स्पेशली, और अगर आपके पास भी पार्किंग स्पेस को लेके थोड़ा सा इशू है तो उस केस में भी आप हैचबैक कार की तरफ जाओ, बिकॉज डायमेंशन वाइज थोड़ी छोटी रहेगी तो बहुत इजी रहेगा आपको इसको कार को पार्क करना. और पार्किंग स्पेस तो यार वी नो कि आजकल मेट्रो सिटीज में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग स्पेस को लेके, तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ इशू है तो उस केस में भी आपको हैचबैक कार को कंसिडर करना चाहिए. एंड कहीं ना कहीं अगर मैं माइलेज प्रॉस्पेक्ट से भी बात करूँ ना, तो हैचबैक कार्स डायमेंशन वाइज छोटी होती है, कर्व वेट भी कार का कम होता है, तो आपको थोड़ा कंपेयर टू एसयूवी थोड़ा अच्छी माइलेज भी निकाल के देती है हैचबैक कार्स. तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए तो उस केस में भी आप हैचबैक कार को कंसिडर कर सकते हो. देखो एक्सेप्शन हर जगह, ऐसे कुछ नहीं है कि हैचबैक कार्स में आपको सारी हैचबैक कार्स में अच्छी माइलेज मिलेगी, बट कंपेयर टू एसयूवी हैचबैक कार्स में आपको थोड़ी बहुत प्लस माइलेज देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज डायमेंशंस कार का छोटा होता है, कर्व वेट कार का छोटा होता है, थोड़ी छोटी कार है कंपेयर टू एसयूवी, तो माइलेज आपको थोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी ही मिलेगी आपको हैचबैक कार्स में. तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एक माइलेज ओरिएंटेड कार भी चाहिए और आपको माइलेज को भी देखना है, तो उस केस में भी आप हैचबैक कार की तरफ ही जाओ. तो गाइस यही सब पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, आपकी रिक्वायरमेंट जिस कार के साथ भी मैच होती है आप उस कार की तरफ जा सकते हो. तो इसके बेसिस पे आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई और आप इस बेसिस पे चूज कर पाओ कि आपको किस कार की तरफ जाना है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.